जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं और आप आज के दिन जिस जगह और जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये हमारे लिए किसी खुशी का मुकाम नहीं है, ये हमारे लिए हंसी मजाक का मुकाम नहीं है, ये हमारे लिए पंचायत करने का मुकाम नहीं है। ये दर दर के ठोकरे एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह टोली बना के बैठ जाने और फिर वहां पे गैबत करने का मुकाम नहीं है। भाइयों, ये इबरत की जा है, ये तमाशा नहीं है। आज इनका जनाजा मेरी और आपकी निगाहों के सामने है और कल इसी तरह जहां आज ये है वहां कल हम में से कोई खड़ा होगा। मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैंने पाक कुरान किताबुल्लाह की एक आया करीमा का जुज रखा आपके सामने। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि जब वादा पूरा हो जाएगा, वो घड़ी आ जाएगी जब मैंने और आपने वफात पाना है, जब मैंने और आपने ये दुनिया छोड़नी है। ये जमीन जिसके ऊपर मैं और आप अकड़ा अकड़ा के चलते हैं, ये जमीन जिसके ऊपर अल्लाह की नियामतें खा के अल्लाह को भूल बैठे हैं। मेरा रब फरमाता है कैफत अकफरून बिल्लाहिकुम तुम अम्बाता फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुरजऊन। के लोगो, तुम अल्लाह की जात को कैसे भुला बैठे हो, हालांकि तुम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदगी देगा, सुम्मा इलैही तुरजऊन, और बेशक तुमने अल्लाह की ही तरफ पलट के जाना है। है हमारा कोई दूसरा मुकाम, है कोई दूसरी जा जहां हमने पलट के जाना है? आ ये जनाजा मेरी और आंखों की आपकी आंखों के सामने निगाहों के सामने ये किस तरफ कोच कर चुके हैं, इनने आज रखते सफर किस तरफ बांधा है, ये आज किस तरफ जा रहे हैं? ये दुनिया जिसमें मैं और आप खड़े हैं, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मेरे भाइयों धोखे का सौदा है और कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिस दिन वादा पूरा हो जाएगा, एक घड़ी ना आगे होगा ना एक घड़ी पीछे होगा, रू कबज जिस वक्त हो जाएगी, ना एक कदम आगे चलने को मौका मिलेगा ना एक कदम पीछे हटने को मौका मिलेगा। हम का ना के हम ना छोड़ के चला गया, मेरे रब का वादा पूरा हो गया, ये अपने सफर को इनने आज रखते सफर किस तरफ बांधा है, ये आज किस तरफ जा रहे हैं, ये कहां से आए? किसी दाना से किसी ने पूछा था कि जनाब किधर का सफर है, कहा था कि मैं फना में खड़ा हूँ, मेरा भका का सफर है। ये दुनिया जिसमें मैं और आप खड़े हैं, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मेरे भाइयों धोखे का सौदा है और कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिस दिन वादा पूरा हो जाएगा, एक घड़ी ना आगे हो, एक घड़ी ना आगे होगा ना एक घड़ी पीछे होगा, रू कबज जिस वक्त हो जाएगी, ना एक कदम आगे चलने को मौका मिलेगा ना एक कदम पीछे हटने को मौका मिलेगा। हम का ना के हमने छोड़ के चला गया, ये हमें छोड़ के नहीं गए, मेरे रब का वादा पूरा हो गया, ये अपने सफर को। इनने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, ये जिस लिए आए थे दुनिया में और जितने वक्त के लिए आए थे, इनने वो वक्त गुजार दिया, इनने वो लम्हे गुजार दिए, इनने वो उम्र गुजार दी, इनकी वो साले खत्म हो गई, इनकी जिंदगी के आयाम बराबर हो गए, मेरे रब का वादा था, ये पलट के अपने आप। लेकिन नौजवानों, हमने क्या सीखा? हम किसी जनाजे में आए, हमने हाय हाय की, हमने वाय वाय की, जनाजा हो गया, अल्लाहु अकबर हो गई, तकबीरें हो गई, दाएं सलाम हो गया, बाएं सलाम हो गया, हम अपने घरों को चले गए, हम भूल जाते हैं।